सो मेरा नाम है कानन, आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल टेक्निकल फैम पे। तो आप लोग के लिए काफ़ी कमाल न्यूज़ और काफ़ी अच्छी न्यूज़ लाता हूँ। तो आज भी काफ़ी अच्छी न्यूज़ लाया, रेडमी के Y3 के बारे में। इसके कुछ सक्सेसर आ चुके हैं तो काफ़ी क्लियर है वो सक्सेसर। तो बिना टाइम वेस्ट के चलिए शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर बॉडी की बात करूँ तो इसमें बॉडी की थिकनेस की जो 8.9 mm की थिकनेस में होने वाला है। वेट की बात करूँ तो 191.5 ग्राम पर होने वाला है, तो ठीक ठाक सा होने वाला है फ्रेंड्स। वेट ठीक ठाक है, मेरे को ज़्यादा लग रहा है थिकनेस थोड़ी ज़्यादा होने वाली है। और डिस्प्ले टाइप की बात करूँ तो इसमें IPS LCD डिस्प्ले होने वाली है और HD+ की डिस्प्ले मिलने वाली है। फुल HD होता तो ज़्यादा अच्छा रहता, लेकिन HD+ की डिस्प्ले। अगर बात करूँ डिस्प्ले साइज़ की तो 6.35 inches का डिस्प्ले होने वाला है और स्क्रीन टू बॉडी रेशियो 81.5% होने वाला है, तो काफ़ी अच्छा होने वाला है ये भी। और बात करूँ अगर इसके अंदर में चिपसेट की तो इसके अंदर हमें स्नैपड्रैगन 439 सेम दिखने वाला 12 nm पर और ऑक्टा कोर 1.95 होने वाला है, तो ठीक ठाक सा लग रहा है फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छा है। अगर 2.0 GHz पर होता तो और अच्छा रहता, लेकिन 1.95 GHz पर है तो ठीक ठाक है फ्रेंड्स। अगर बात करें GPU की तो एक दिनों की 505 लगी हुई है, तो ठीक ठाक साइज में इसमें गेम PUBG काफ़ी अच्छे से खेल सकते हैं, कॉल ऑफ ड्यूटी भी खेल सकते हैं, काफ़ी गेम हम इसमें चला के खेल सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, इसके अंदर अगर आप कार्ड की बात करो तो इसमें माइक्रो जो SD कार्ड है अपलोड 256 GB तक का अपलोड कर सकते हैं। बट इसका प्लस पॉइंट ये है कि एक डेडिकेटेड स्लॉट है, तो काफ़ी अच्छा लगा ये भी सुन के। बस इसका एक पीरियड नया फ्रेंड जो 3 GB की रैम और 64 GB की स्टोरेज के साथ आता है, तो ठीक ठाक सा लगा फ्रेंड ये भी सुन के। और बात करो अगर सेल्फी की तो ये डुअल सेल्फी, अगर बात करो इसके कैमरा का तो ये डुअल कैमरा पे होने वाला है। 13 MP का इसका कैमरा होने वाला है, जिसका बजट 2.2 अपर्चर पर होने वाला है। और एक 2 MP का कैमरा होने वाला है, जिसका अपर्चर 2.4 है, जो हमारा वो डेप्थ सेंसर होने वाला है। इसके साथ हमें LED फ्लैश मिलती है और HDR मिलता है। अगर वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करो तो 1080 30 FPS में रिकॉर्ड मिलता है, तो काफ़ी अच्छा लगा ये भी सुन के मुझे फ्रेंड्स। और सेल्फी की बात करो तो फ्रेंड सेल्फी भी हमें ठीक ठाक से मिलती है, 8 MP की सेल्फी मिलती है, जिसका अपर्चर 1.8 का मिलता है। और इसमें भी रिकॉर्डिंग 1080p 30 FPS में मिलता है, तो ठीक ठाक से वीडियो रिकॉर्डिंग भी मिलती है। इतनी खास भी नहीं बोलूँगा जैसा फ़ोन था, बस उसमें थोड़ा सा अपडेट हुआ है। जो मेन अपडेट हुआ है वो आपको नीचे पता चलेगा फ्रेंड। अगर स्पीकर की बात करूँ तो साउंड की तो लाउड स्पीकर हाँ फ्रेंड इसमें मिलने वाला है और 3.5 mm जैक भी मिलने वाला है। एक्टिव नॉइस कैंसिल डेडिकेटेड माइक स्लॉट भी मिलने वाला है, तो काफ़ी अच्छा लगा ये। या डेलीकेटेड माइक भी मिलने वाले हैं, तो आप लोग को रिकॉर्डिंग आया अगर यूट्यूब बनाते हैं तो आप लोग के लिए फ़ोन अच्छा है। और बैटरी की बात करें तो फ्रेंड ये प्लस पॉइंट है, बैटरी काफ़ी अच्छा निकाल चुका है रेडमी Y3 स्टैंडर्ड की। तो इसमें 5000 mAh की बैटरी होने वाली है फ्रेंड और 10 V के फास्ट चार्जर के साथ। 10 V का फास्ट चार्जर, 18 V का फास्ट चार्जर दे देता तो काफ़ी अच्छा लगता, लेकिन 10 V के फास्ट चार्जर के साथ है, ठीक है देखते हैं। इसके दो कलर फ्रेंड पता चले, एक ब्लू है और एक रेड है, तो ठीक ठाक सा ही बोलूँगा फ्रेंड। काफ़ी मतलब ना ज़्यादा हाई ना ज़्यादा लो, एवरेज फ़ोन है, तो एवरेज की स्पीड में चलूँगा क्योंकि इसकी प्राइस के हिसाब से फ़ोन ठीक है अपने जगह पे। अगर मैंने इसकी प्राइस कन्वर्ट किया था यूरोप में 130 यूरोप का अगर कन्वर्ट किया तो ये कुछ 10 से 10,500 से कुछ फ़ोन होने वाला है। तो अगर ये 10,000 का फ़ोन रहेगा, 3 GB रैम और 64 GB, तो काफ़ी अच्छा लगेगा फ़ोन। अगर ये यही चप चीज पे रहेगा तो काफ़ी अच्छा है। और ये लॉन्च मेरे ख्याल से नवंबर में होने वाला है, अगर ये नवंबर में लॉन्च हुआ तो ठीक है, नहीं तो दिसंबर तक का ये फ़ोन आ जाएगा, उसकी गारंटी है फ्रेंड। और फ्रेंड जैसे ये फ़ोन ठीक ठाक है, ये उसकी कुछ पीक आप देख सकते हैं। देखने के बाद आपको फ़ोन समझ में आ गया होगा कि फ़ोन काफ़ी चेंज हो चुका है, लुक में भी काफ़ी अलग हो चुका है Y3 से। Y3 स्टैंडर्ड काफ़ी डिफरेंट है, काफ़ी अलग है, दूर से देखने के बाद कोई जल्दी बोल नहीं पाएगा कि ये Y3 है। आज की न्यूज़ यही थी फ्रेंड, अगर आपको न्यूज़ अच्छी लगी होगी तो फ्रेंड प्लीज़ मुझे 50 लाइक कर देना, प्लीज़ फ्रेंड 50 लाइक। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू आएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पे क्लिक कर देना। मैं रोज़ ऐसे वीडियो लाता हूँ, अभी कमाल और धमाल लाता हूँ और तुम मचाने वाली न्यूज़ लेके आता हूँ। तो फ्रेंड आपको अगर न्यूज़ अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब और कमेंट तो ज़रूर करना और दिल खोल के मुझे लाइक कर देना एकदम बोले। और फ्रेंड अगर आप लोग मुझे चाहते हैं कि मैं आप लोग के क्वेश्चन का आंसर दूँ या आंसर का क्वेश्चन जो भी आप बोलना चाहते हैं बोल सकते हैं, तो आप लोग मुझे कमेंट लिख सकते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं इधर पोल रख रहा हूँ, हाँ और ना में मुझे आप लोग बता देना फ्रेंड्स कि मैं मतलब क्वेश्चन आंसर सीरीज करूँ कि नहीं करूँ। तो आज की यही न्यूज़ थी फ्रेंड, न्यूज़ अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ मुझे लाइक कर देना जैसे आपको बोलता हूँ। और अगर चैनल पर न्यू आएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पर क्लिक करना। आपको मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में, जब तक का टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।
और ख्याल रखना अपना और थम्स अप।